Good morning, all my dear students. In the last class of class 3 Hindi, we have already finished the lesson समय का मोल. हमने समय का मोल नामक कविता मैंने आपको बताया था, उच्चारण भी सिखाया था आपको, और कविता का जो मतलब होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो चलिए आज हम कुछ अभ्यास करते हैं. जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं शब्द अर्थ जो मैंने आपको करवाया था, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र पर किन्हीं कुछ शब्दों का अर्थ लिखा है. जैसे सागर का अर्थ है समुद्र, कण कण का अर्थ है छोटे से छोटा टुकड़ा, पल पल का अर्थ है क्षण समय का छोटा हिस्सा, युग का अर्थ है बहुत लंबा समय, मोल का अर्थ है मूल्य या कीमत, बुद्धिमान का अर्थ है जिसमें बहुत बुद्धि हो, होशियार. तो इसी के साथ हमारा शब्द अर्थ भी समाप्त होता है. तो चलिए आज हम मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं. मौखिक प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है. फिर दूसरा प्रश्न है ख नंबर ख, घर कैसे बनता है. फिर तीसरा प्रश्न नंबर ग है, पल पल जुड़ने से क्या बनता है. और फिर घ है, बुद्धिमान कौन कहलाता है. तो चलिए करते हैं हम. जैसे कि पहला प्रश्न है, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है. उत्तर आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है. बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था. फिर दूसरा प्रश्न है, घर कैसे बनता है. ईंट से ईंट जुड़ने पर घर बनता है. ईंट से ईंट मतलब कुछ ईंट जब जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाकर एक घर बनता है. तीसरा प्रश्न है नंबर ग, पल पल जुड़ने से क्या बनता है. पल पल जब जुड़ते हैं तब उनसे क्या बनता है. पल पल जुड़ने से युग बनता है. युग एक बहुत ही लंबे समय को युग कहते हैं. तो पल पल जब जुड़ते हैं, पल मतलब समय का बहुत ही छोटा सा हिस्सा, जब पल पल जुड़ते हैं तब उनसे युग बनता है. बुद्धिमान कौन कहलाता है, और जो बुद्धिमान किसे कहते हैं, बुद्धिमान कौन कहलाता है, जो पल पल का मोल समझता वही बुद्धिमान कहलाता है. जो हर एक पल का, हर एक सेकंड का मोल समझता, हर एक समय का मोल समझता वही बुद्धिमान कहलाता है. तो इसी से हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर खत्म होता है. फिर पाठ में से दिए गए कुछ हम अभ्यास करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न है सही उत्तर पर टिक लगाओ. यहाँ पर हमें सही उत्तर पर टिक लगाना है. जैसे क्या है पहला प्रश्न, ईंटों से बनते हैं, ईंटों से क्या बनते हैं, बाजार, वन, घर या तालाब. तो जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, ईंटों से बनते हैं घर, तो हमें घर पर टिक लगाना है. फिर दूसरा है, बूंदों से बनते हैं, बूंदों से क्या बनते हैं, वायु, नाव, बादल या सागर. तो बूंदों से बनते हैं सागर. उसी प्रकार नंबर ग है, कण कण मिट्टी से बनती है. कण कण जो मिट्टी के जो छोटे छोटे कण हैं उनसे क्या बनते हैं, उनसे बनती है पृथ्वी. फिर है प्रश्न नंबर चार, इस कविता के लिए सबसे सही नाम होगा, इस कविता के लिए सबसे सही नाम क्या होगा. जैसे कि कविता का सही नाम तो दिया है कविता के ऊपर ही समय का मोल, फिर भी हमें इन चारों में से चुनना है कि इस कविता में से सही नाम क्या होगा. जो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शंस है, घड़ी का मूल्य, सागर और बूंदे, पल और युग, समय का महत्व. तो सही नाम होगा समय का महत्व. फिर पांचवे नंबर पर है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है. पांचवे नंबर पर है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलती है. तो ऑप्शंस पे है, समय आता जाता रहता है, समय अनमोल होता है, समय का ध्यान रखने से बुद्धिमान बनते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता. तो सही उत्तर क्या होगा, समय अनमोल होता है. तो इसी के साथ मैं आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ. दूसरी कक्षा में मैं आपको लिखित प्रश्न उत्तर के बारे में बताऊंगा, और जो बच्चे कुछ अभ्यास है इस पाठ के वो करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.